चलिए, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं मधुपुर की, ये सीधी तस्वीरें। और मंच पर कृषि मंत्री बादल पत्रलेख, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन, चुनावी सभा का आयोजन किया गया है। और 6 दिनों के चुनावी दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मधुपुर में इस समय हैं। मधुपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको इस समय दिखा रहे हैं, जहां पर जेएमएम के प्रत्याशी हफीजुल हसन और मंच की ये तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मौजूद है, कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मौजूद है। जेएमएम के प्रत्याशी के पक्ष में जनता से वोट की अपील करेंगे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो कि चुनावी दौरे पर है, मधुपुर गए हैं। 6 दिवसीय उनका चुनावी दौरा, सभी प्रखंडों में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा। भाई तो इस तरह से गठबंधन के तमाम बड़े कद के नेता लगातार मधुपुर में कैंप किए हुए। खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चुनावी कमान संभाल ली है, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक उन्होंने की और सभी को टास्क मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दे दी है कि कैसे ये चुनाव जीतना है। और अगर महागठबंधन मधुपुर उपचुनाव जीतता है तो फिर आप कह सकते कि निश्चित तौर पर यह हैट्रिक होगा महागठबंधन के लिए। और यही वजह है कि तमाम बड़े कद के नेता महागठबंधन के चुनावी कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं, कैंप किए हुए हैं लगातार। बात चाहे आप आरजेडी के इकलौते मंत्री सत्यानंद भोक्ता की करें, चुनावी प्रचार में मधुपुर में वो भी नजर आए। वित्त मंत्री रामेश्वर राव की बात करें, हाजी साहब के याद को सलामत रखेंगे और हेमंत बाबू के विश्वास को कायम रखेंगे। क्या मैं अकेले कह रहा हूँ या सारी जनता इसके गवाह है, साथ है? तो नीचे खड़ा जी बोले लो, हमने रोना पसंद थी, सब तैयार है कि नहीं? कल सर मैं बता दू, 2 दिन से जब से कुछ नेताओं ने ये घोषणा किया है एक सीट जिता दो 10 तारीख को आपकी सरकार गिरा देंगे, क्या होगा? खेला हो गया, खेला होगा कि नहीं? उसका आक्रोश ये हुआ कि कल कुबड़ी गांव में उनके होने वाले नेता आए, गांव से एक भी व्यक्ति नहीं निकला। क्या सिवादा झूठ बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं? सच बोल रहे हैं कि हेमंत बाबू के खिलाफ बोलोगे तो हमारे गांव में तुम्हें एंट्री नहीं है। ये सिर्फ उनके साथ नहीं हुआ, कल कुछ लोग पथरोड में आए थे, गो बैक का नारा लगा, लगाया नहीं लगा? जाति विशेष जानकर एक नेता एक गांव में गए, उनसे कहा गया कि जब आप लालू जी के नहीं हुए तो हमारे क्या होंगे, आपका यहां जगह नहीं है। यह मिजाज मधुपुर के वासियों का है, हमारे भाइयों बहनों मतदाताओं का है। हम लोग हेमंत बाबू पर विश्वास करते हैं, करते रहेंगे। आप लोग बड़ी उम्मीद से सुबह से ही इस बात की चर्चा थी कि माननीय मुख्यमंत्री से कुछ कर सुनना चाहेंगे। कल एक सज्जन बोल रहे थे कि कर्जा माफ नहीं हुआ है, 20 साल में 18 साल आपने शासन किया, एक भी रुपया किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? हेमंत बाबू इस बार मुख्यमंत्री बने, बताइए आप लोगों का 50,000 का कर्जा माफ हुआ या नहीं हुआ? हुआ है ना, हाथ उठा के बोलिए।
गिनों कह रहे थे गिनने वाले नहीं है, इतना गिनती गिनवाऊंगा पहाड़ा भूल जाओगे। अभी तो टेलर है, अभी तो पौनी है, थक थक मत करो। हेमंत बाबू में विश्वास किया है, युवाओं को प्राइवेट नौकरियों में भी 75% आरक्षण। 18 साल राज किया, हिम्मत नहीं हुई। ओबीसी आरक्षण 14% से 27% करने का विधानसभा में हेमंत बाबू का वो व्यक्तित्व जो आपके तकदीर और तस्वीर को बदलेगा। क्या आप लोग उसका स्वागत करते हैं कि नहीं? युवा लोग बताइए, जो तकरीबन 20 साल से आप मांग रहे थे, लेकिन आपका सपना कब पूरा हुआ? जब हेमंत बाबू के हाथों में पूर्ण रोजगार पूर्ण रूप से सत्ता हुआ। कांग्रेस पार्टी की सरकार, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार, राष्ट्रीय जनता दल की सरकार, वाम मोर्चा के घटक सभी साथियों द्वारा समर्थित ये सरकार आपसे अपील करती है कि हफीजुल भाई को भारी मतों से विजयी बनाए। आप साथ देंगे ना? आप सबसे पूछना चाहते हैं, साथ मिलेगा कि नहीं? कहां देश से बोलते हैं? अरे हौसला दिखाइए, जो कल तक नहीं हुआ है आने वाले दिन में होगा। कुबड़ी वालों, जो आपने कल नजारा पेश किया, बरेली का झुमका जरूर उस गांव में गिरेगा। इसी तरह हम सभी गांव सभी बिरादर से आग्रह करते हैं, हेमंत बाबू किसी एक के नहीं, हेमंत बाबू हर गरीब का है, हर किसान का है, गुरु जी का बेटा है। जान दे देगा लेकिन आपके हितों की सौदा नहीं करेगा, झुकने वाला नहीं, टूटने वाला नहीं, और आपके लिए मर मिटने वाला इंसान हम सबका प्यारा मुख्यमंत्री है और उनका प्यारा कैंडिडेट हफीजुल अंसारी है। आप सब आशीर्वाद दें। बादल भैया हाथ जोड़ के आपसे आग्रह करता है, जिस तरह दिन रात सेवा करता हूं, करता रहूंगा, मर मिटूंगा। आप हेमंत बाबू ने जो विश्वास किया है, उस विश्वास को भारी मतों से मतदान करके पूरी तरह से इनका दिल जीतने का काम करें। हम विकास की गंगा बहाने का यहां प्रयास करेंगे। जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। हेलो, आप लोग ना सुन रहे थे, अभी अभी हमारे सामने आपका मंत्री मधुपुर विधानसभा का, समूचा झारखंड का हफीजुल बाबू उम्मीदवार भी है, मंत्री भी है, आपके सामने आ रहे हैं। उनके विचार, उनकी भावना, उनकी जो इच्छा शक्ति है, आप अपने सुनिए। हफीजुल हुसैन साहब, हफीजुल हुसैन जिंदाबाद, हफीजुल हुसैन जिंदाबाद। हस्को हटिया मैदान में उपस्थित झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय हेमंत सोरेन जी, झारखंड सरकार के मंत्री भाई बादल पत्रलेख जी और यहां उपस्थित मंच में महागठबंधन के सम्मानित नेतागण और यहां उपस्थित झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता और इस क्षेत्र के मतदाता मालिकों, आज ये जनसमूह देख के मुझे ये लग रहा है, मुझे उम्मीद नहीं था कि खसको हटिया में इस तरह का जनसैलाब उमड़ेगा, लेकिन आज मुझे गर्व है कि मैं हाजी साहब का बेटा हूं, जिस हाजी साहब के लिए आज पूरे झारखंड से के साथ साथ बिहार से भी जो उनके चाहने वाले थे, जो उनको मानते थे, वो आज मधुपुर में पहुंच गए हैं मेरा मदद करने के लिए, मुझे उन हौसला अफजाई करने के लिए। मैं आप लोगों से
भी ये विनती करता हूं कि हाजी साहब ने जिस तरह आप लोगों को उनके साथ हर दुख सुख में साथ दिए, मैं भी आप लोगों के साथ दुख सुख में साथ दूंगा। आज ये जनसमूह देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे वालिद साहब ने किस तरह आप लोगों के दिलों में अपना जगह बनाए थे। आज मैं आप लोगों से उन्हीं का जो कार्यकाल बचा हुआ है, जो आप लोग उनको दे चुके थे, उसी कार्यकाल को मैं आप लोगों से मांगता हूं। आज गुरु जी के आशीर्वाद, हेमंत बाबू का प्यार और भरोसा और हाजी साहब के श्रद्धांजलि में सम्मान में मुझे यहां का मंत्री बनाया गया। जैसे ही मैं मंत्री बना, आपके क्षेत्र में बूढ़े पहाड़ में जो चीज मैंने प्रस्ताव में लिया है, वो हिंदुस्तान का दूसरा लक्ष्मण झूला हैंगिंग ब्रिज आपका बूढ़े पहाड़ में बने। आज खेलकूद विभाग से जो आज तक झारखंड में ये नहीं हुआ था कि किसी खिलाड़ी को नौकरी देने का, आज मेरा विभाग ने 40 खिलाड़ी को पद जो जीते हैं उस खिलाड़ी को नौकरी दिया। अब आप लोग आशीर्वाद और प्यार हाजी साहब के याद में एक बार जिस तरह उन्होंने मधुपुर की जनता को अपने दिल में बसाए आप लोग रखे थे, मैं वादा करता हूं आप लोगों से, हाजी साहब का खून मेरा शरीर में है तो हाजी साहब का गुण भी मेरे में है। मैं आप लोगों को खिदमत में कभी कोताही नहीं बरतूंगा और जो भी मेरे विभाग में है, मेरे अंदर है, वो मैं आप लोगों के लिए हर दिन रात तैयार रहूंगा। लेकिन आपका सहयोग मुझे चाहिए, बहुत उम्मीद के साथ मधुपुर की जनता को मंत्री का तोहफा इस विश्वास के साथ गुरु जी ने और हेमंत बाबू ने दिए हैं कि हम इसको अगर यहां से मंत्री बना करके भेजेंगे तो वहां की जनता विधायक बना करके जरूर भेजेगा। आप लोग हाथ उठा के बोलिए, 17 तारीख को 2 नंबर बटन में वोट दे करके मुझे भारी मतों से विजय बनाए। मैं अभी थोड़ा भावुक हो जा रहा हूं, बोल नहीं सक रहा हूं, आप लोग का जन समर्थन देख करके मैं आप लोग से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय झारखंड। अभी मल्यार्पण करने वाला जो जो साथी हैं, मल्यार्पण पकड़ो। मृत्युंजय मंडल, परमेश्वर मंडल, राजा मुर्मू, राजेश्वरम वर्मा, रविंद्रनाथ मंडल, विजय वर्मा, सुरेश दास, पिंटू दास, संजय दास, सचिन शाही, तेज नारायण वर्मा, आप लोग मल्यार्पण को हमन बाबा को करें। अभी आपके सामने झारखंड
के सम्राट, झारखंड के मुख्यमंत्री, झारखंड के हम लोग का धरती पुत्र हमारे सीएम आपके सामने आ रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूं हेमंत बाबू, आप आवे और अपना विचार। आज यहां मधुपुर उपचुनाव के प्रचार प्रसार के दौरान आपके इस देवीपुर प्रखंड में हम लोग पहुंचे हैं। आज देवीपुर के इस घसको मैदान में इस चुनावी आम सभा में हमारे साथ मौजूद मेरे सहयोगी मंत्री बादल पत्रलेख जी, मेरे सहयोगी मंत्री हफीजुल हसन जी, यहां उपस्थित कांग्रेस जेएनएम आरजेडी के सभी क्रांतिकारी साथीगण और विशेषकर यहां आए हुए आप सभी देवीपुर प्रखंड के आप सभी ग्रामीणों, किसान भाइयों, माताएं बहनें, नौजवान साथी, बड़े बुजुर्ग, आर अपरन गोबाबा बोया मिश्रा मजिहाराम गुणित नायके को सनातन पहिल अली संखोना डेडी सराव जोहार नमस्कार अदा। चुनावी सभा है, आप लोग भी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अभी हम हेलीकॉप्टर से देखे तो यहां बाजार भी थोड़ा पास में लगा हुआ है। संक्षिप्त में बात को रखने की कोशिश करूंगा और उसको थोड़ा आप लोग अधिक समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि चुनाव के वक्त बहुत सारे लोग और तरह तरह का झंडा, बैनर, पोस्टर और छाप लेकर इधर उधर सब घूम रहा है। और हर कोई पकड़ पकड़ कर आपको अपनी बातें कह रहा है। इसलिए आपको इस उपचुनाव में क्या करना है, यूं तो आप लोगों ने कई चुनाव देखे हैं, कई बार आप लोगों ने वोट दिया है, कई बार आप लोगों ने अपने मनपसंद व्यक्ति को विधायक बनाया, मंत्री बनाया, इस बार यहां 5 साल के पहले ही बीच में एक छोटा ये चुनाव आ गया,
मुझे लगता है मधुपुर विधानसभा पहली बार उपचुनाव देख रहा है और ये उपचुनाव इसलिए देख रहे हैं, यहां चुनाव इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारे बीच इस राज्य के मधुपुर विधानसभा के जनजन में बसने वाले झारखंड मुक्ति मोर्चा का एक आंदोलनकारी, हमारे मार्गदर्शक हाजी हुसैन अंसारी साहब, जिसको आप लोगों ने 2019 में यहां विधायक बना करके भेजा था, वो आज हमारे बीच में नहीं है। उनके निधन होने से ये मधुपुर विधानसभा की सीट खाली हुई है, इसलिए आपको मजबूरन यहां एक विशेष परिस्थिति में, इस तपती गर्मी में इस चुनाव का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन विधि का विधान को कोई नहीं टाल सकता, हम अपने कर्म करते जाते हैं और कर्मों का फल इसी धरती में ऊपर वाला हमें देता है। और आज इस उपचुनाव के माध्यम से इस सभा में हम आपको कहने आए हैं, बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें आपको कहके गए हैं, कहने के लिए अभी और भी आएंगे, लेकिन हम आपको बस यही कहने आए हैं कि सावधान रहिएगा, आजकल चुनाव का परिभाषा बदल गया है, आज लोग राजनीति को समाज सेवा नहीं बल्कि राजनीति को इन लोगों ने व्यापार समझ लिया है। और आज यही वजह है कि इस राज्य में जो हमारे मुख्य प्रतिद्वंदी है और अभी इस विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी, ये एक ऐसी पार्टी है जो अपने आप को दुनिया का सबसे बड़ा पार्टी बोलता है। इस धरती का सबसे बड़ा राजनीतिक दल भारतीय जनता पार्टी, पता नहीं कितना बड़ा है हम तो नहीं देखा, लेकिन इतना बड़ा भिखारी है कि उसके पास अपना कोई कैंडिडेट भी नहीं है। कैंडिडेट भी कहां कहां से उठा उठा के लाते हैं और आपके सामने खड़ा कर आपके माथे में ठोक दिया जाता है और आपको मजबूर किया जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से फलना को बोल। और आज ये पार्टी मुझे देखकर बहुत हैरानी होती है कि विभिन्न दलों से उठा उठाकर लोगों को खरीद खरीद कर अपना घर भरने वाला ये भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे बड़ा दल कहता है। यहां पर प्रत्याशी से लेकर के चुनाव प्रचार करने वाले तक सभी लोग दलबद्धू लोग हैं, पता है कितना पार्टी कितना झंडा कितना बैनर ढोता है गिनने नहीं सकिए। घंटा घंटा में ये लोग अपना चेहरा बदलते हैं, घंटा घंटा अपना घर द्वार बदलते हैं, घंटा घंटा अपना बातों से मुकरते हैं। ऐसे लोगों से आपको सावधान रखने और सावधान रहने के लिए कहने आए। ये लोग जो दिखता है वो है नहीं, जो नहीं दिखता
ऐसे लोग हैं जिसको अगर आपने वोट दे दिया तो 5 साल तक रोते रहिएगा, आंसू पोंछने वाला मिलेगा नहीं। हाजी हुसैन अंसारी साहब एक ऐसा व्यक्ति जिस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता था, और आज हमारे बीच नहीं है और उनकी जगह का भरपाई भी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। हमने श्रद्धांजलि के तौर पर एक प्रयास किया है कि उनके बेटे को बिना विधायक हमने मंत्री बना दिया है, और आपका ये मंत्री मधुपुर का रहेगा कि नहीं रहेगा इसका निर्णय 17 तारीख को यहां की जनता को करना है, यहां के किसानों को करना है, यहां के नौजवानों को करना है, यहां की माता बहनों को करना है। आज पूरे देश में दुनिया में वैश्विक महामारी फैली हुई, 1.5 साल से हम लोग तबाह। जिस समय सरकार गठन हुआ हम लोगों ने सत्र भी पूरा नहीं किया, हमें राज्य को लॉकडाउन में रखना पड़ा। केंद्र सरकार के आदेश के अनुरूप पूरा देश ठप हो गया, और आपने देखा होगा कि उस समय जब मजदूर सड़कों पर भटक रहे थे, रेल के पटरियों में उनकी जाने जा रही थी, महिलाएं बच्चों को सड़क में जन्म दे रही थी, उस समय ये भारतीय जनता पार्टी का लोग कहां था? और ये जो आपका प्रत्याशी है जो एक बहुत बड़ा अपने को व्यापारी कहता है, जो गोवा में बहुत बड़ा व्यापार करता है, वो कहां था? कितने मजदूरों को उसने झारखंड और मधुपुर पहुंचाने का काम किया? उस समय इस देश के अंदर मजदूरों के साथ अगर कोई खड़ा था तो आपकी सरकार थी और हेमंत सोरेन मजदूरों के साथ खड़ा था। ये लोग कहते थे कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाए, कितना बड़ा छुट्टा है सब, हवाई जहाज में तो चढ़ाया नहीं लेकिन बेचारों को सड़कों पर मरने के लिए छोड़ दिया। लेकिन हमने कभी वादा नहीं किया था कि हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ाएंगे और हवाई चप्पल वालों को हवाई जहाज में चढ़ा चढ़ा करके अपने घर पहुंचाने का काम हेमंत सोरेन ने किया था। क्यों याद है कि नहीं? इन बेबानों ने साल भर जिस तरीके से मजदूरों को मरने के लिए छोड़ दिया, किसी की सुध ना ली। पिछले सरकार में डबल इंजन की सरकार के समय लोग हाथ में राशन कार्ड ले लेकर के भूखा मरा, और इस लॉकडाउन के दौरान हमारे इस राज्य की महिला दीदियों ने अपनी जान हथेली पे रख करके गांव और मोहल्ले में दाल भात खाना बना बना करके हमारे गरीबों को मुफ्त खाना खिलाने का काम किया। एक भी व्यक्ति भूखा नहीं मरा, और इन बेमानों ने तो सामान्य जीवन में लोगों को भूखा मार दिया। आपको मालूम होना चाहिए पिछली सरकार में डबल इंजन की सरकार, हमारे माननीय रघुवर दास जी इन्होंने झारखंड प्रदेश के गरीबों के लगभग 11.5 लाख राशन कार्ड डिलीट कर दिया, और उसी तरीके से अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने जांच में पाया कि पूरे भारतवर्ष में एनडीए की सरकार ने, भाजपा की सरकार ने 3.5 करोड़ गरीबों का राशन कार्ड को डिलीट कर दिया था। अभी उसकी जांच सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है, केस चल रहा है।
इन लोगों ने हमारे राज्य में 11.5 लाख गरीबों का राशन कार्ड काटा और हमने सरकार बनते ही 15 लाख नया राशन कार्ड, हरा राशन कार्ड गरीबों को बांटने का काम। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे राज्य में गरीब गुरुआ लोग बहुत बड़े पैमाने पर, ।2014 में हम लोग थोड़ी देर के लिए सरकार का सिंहासन को हम लोगों ने छीना था और हम लोगों ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिए। हम इस राज्य के गरीबों के तन ढकने के लिए 10 रुपया में धोती साड़ी लुंगी का वितरण करना प्रारंभ किया था, लेकिन इन बेईमानों के सरकार आने के बाद वो योजना भी बंद कर दिया। पूरा साल भर भूखा नंगा रहने के लिए झारखंड के लोगों को मजबूर कर दिया। आज आपकी सरकार आई, फिर से 10 रुपया में धोती साड़ी और लुंगी का वितरण का काम प्रारंभ हो चुका है। बहुत जल्द आपको यहां भी मिलेगा। ये नहीं चाहते कि गरीब गुरुआ लोगों के शरीर में कपड़े रहे, उनका पेट भरा रहे, और तो और किसी देश में किसी राज्य में आपने नहीं सुना होगा कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को पढ़ने के लिए जो स्कूलें खोली जाती है उन स्कूलों को कभी बंद किया जा सकता है, लेकिन इन लोगों ने हजारों स्कूल एक साथ बंद कर दिए ताकि हमारे बाल बच्चे गांव देहात के हैं वो पढ़ाई ना कर पाए। लेकिन आपकी सरकार बनने के साथ ही हमने इस साल इस राज्य में 5,000 नए मॉडर्न स्कूल बनाने का निर्णय लिया है जो हमारे बच्चे बेहतर शिक्षा ग्रहण करें। हमने कानून बना दिया, इस राज्य में कोई भी हमारी बूढ़ी बुजुर्ग महिलाएं, हमारे वृद्ध व्यक्ति जो 60 साल का उम्र का होगा वो पेंशन का हकदार होगा। उसमें एपीएल और बीपीएल का जरूरत नहीं पड़ेगा, सभी को पेंशन मिलेगा। हमारी सभी विधवा महिलाओं को पेंशन का लाभ मिलेगा, कोई एपीएल बीपीएल की बात नहीं हो। आपने देखा, आपकी सरकार ने इस राज्य में पहली बार हमारे इस राज्य के होनहार खिलाड़ियों को सीधे सरकार की नौकरियों में जगह देकर के उनको नौकरी दिया। क्यों 5 साल बीते, 5 साल में नहीं हुआ? 5 साल में सिर्फ जमीन लूटो, सरकारी संपत्ति बेचो, लैंड बैंक के नाम पर हमारे जबरबंदी जमीन को लूट लो, छीन लो, यही काम होता रहा। आज इनसे पूछिए, जो लोग आपके पास वोट मांगने आते हैं क्या करेंगे वोट का? आप लोग वोट दीजिएगा और वोट जाकर के गोवा का समंदर में बह जाएगा, बता देते हैं। ध्यान रखिएगा। और हमको कुछ कुछ खबर आ रहा है, उस पर भी हम लोग आगे बढ़ेंगे, चुनाव खत्म होने देंगे। क्योंकि मजदूरों का जो दर्द हमने देखा है, मजदूरों को मरते हुए जो हमने देखा है, आज यहां हमारे मधुपुर देवीपुर में कुछ लोग सक्रिय हैं जो यहां के मजदूरों का सौदा करके दूसरे राज्यों में बेचने का, उनके तनख्वाह को खाने का काम कर रहा है। भारत सरकार से भी हमने इस विषय में आग्रह किया कि इस राज्य के मजदूरों को ख्याल रखा जाए, मजदूरों के लिए कड़ा कानून बनाया जाए ताकि उसका कोई भी कहीं भी किसी भी देश या राज्य में शोषण ना हो सके। लेकिन भारत सरकार चुप,
क्योंकि भारत सरकार की एक इकाई विभिन्न राज्यों के मजदूरों का ले जा करके शोषण करती है। अभी हाल में ही आपने सुना होगा कि उत्तराखंड में एनटीपीसी का एक डैम जिसमें पावर प्लांट बनना था वो अचानक फट गया और सैकड़ों मजदूर मारे गए। उसमें झारखंड के भी कई मजदूर मारे गए, उसका कोई लेखा जोखा नहीं। हमारे पास कुछ घटनाएं सामने आई, अभी उस विषय को भी लेकर हम केंद्र शासित सरकार से इस राज्य के मजदूरों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ेंगे। आज इसीलिए हमने मधुपुर विधानसभा के किसान मजदूर नौजवान माताएं बहनों के गांव तक पहुंचने के लिए हमने एक पुल का निर्माण किया है और उस पुल का नाम है हफीजुल हसन। हम हफीजुल हसन की आंखों से यहां की जनता को देखेंगे और हफीजुल हसन के हाथों से आपके अधिकार को आपके दरवाजे तक पहुंचाने का काम करेंगे। आज इसी चुनाव के वक्त बहुत मेढक सड़क पर उतर आता है, बहुत कांव कांव चौ चौ करेगा। ध्यान रखिएगा, बहुत लोग रिश्ता नाता लेकर के आएगा, भाई चाचा गोतिया मामा दुनिया भर का रिश्ता नाता लेकर आएगा और वोट मांगेगा। सब रिश्ता अपनाइएगा लेकिन वोट अपने आने वाला पीढ़ी अपना घर द्वार खेत बाड़ी को देखकर कहीं वोट दीजिए। कौन इसका रक्षा कर सकता है, कौन खेत, ये लोग खेती बाड़ी से कोई लेना देना नहीं है। खेती बाड़ी से लेना देना होता तो आज महीनों से किसान दिल्ली में धरना नहीं दे रहा होता, सैकड़ों किसान मर गए, पूरा ठंड बीत गया, अब गर्मी आ गई, अब बारिश भी कुछ समय के बाद आ जाएगा। लेकिन केंद्र सरकार भाजपा के लोगों की आंख में एक बूंद आंसू नहीं टप रहा। इस देश के अन्नदाता के प्रति अगर इनका इतना क्रूर रवैया है तो गरीबों के प्रति कितना क्रूर हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। आज इसीलिए ये गरीब विरोधी, ये किसान विरोधी, ये मजदूर विरोधी, ये आदिवासी दलित पिछड़े हर सज्जन विरोधी की जमात खड़ी है और एक तरफ गरीब गुरुआ लोगों के हक अधिकार की लड़ाई लड़ने वाला जमात खड़ा है। अब निर्णय आपको करना है कि किसके साथ जाना है। झारखंड मुक्ति मोर्चा जानता है अपना हक अधिकार की लड़ाई। हमने अगर राज बनाने की ताकत रखते हैं तो अधिकार भी लेने की ताकत रखते हैं, अधिकार आपके घर तक पहुंचाने की ताकत रखते हैं। आज इसीलिए आप सब लोगों से निवेदन करने आए हैं, आग्रह करने आए हैं। आप लोगों ने कई चुनाव देखा है, कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, मधुपुर जिता दो, भाजपा की सरकार बनाएंगे, मौजूदा सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। अजीब हालत, इनकी आदत तो ऐसा हो गया है, सरकार बनाना तो लगता है कि इन लोगों का एक ऐसा जुनून सवार हो गया है कि भाई जिसको मन तिसको जहां मन तहां कान मरड़ दो। लेकिन उनको गलतफहमी, झारखंड मुक्ति मोर्चा से पाला नहीं पड़ा है। इस वजह से 20 सालों तक जिस तरीके से छल प्रपंच करके ठग करके इन लुटेरों ने राज को बर्बाद किया, आज उसी का दर्द की वजह से 2019 में इस डबल इंजन की सरकार को उखाड़ कर लोगों ने गुजरात में फेंक दिया। और आज पहली बार 20 सालों में इतनी मजबूत सरकार इस राज्य में बनी है,
और यही वजह है कि आपके लिए हक अधिकार आप तक पहुंचाने का, आपके सपनों को पूरा करने में इस वैश्विक महामारी में भी ये सरकार लगी हुई है। सरकार बनते ही किसानों का ऋण माफी, सरकार बनते ही इस राज्य में 15 लाख गरीबों को नया राशन कार्ड देना, इस सरकार बनते ही इस राज्य में पेंशन की सारे लोगों को अधिकार देना, और साथ साथ यहां पर हमारे राज्य में बहुत सारे इकाई है जो सरकार का अभिन्न अंग बनकर के काम कर रहे हैं, कहीं पारा टीचर, कहीं अनुबंध कर्मी, कहीं कई तरह के संवर्ग में यहां लोग काम कर रहे हैं। जो भी यहां उपस्थित हमारे अनुबंध कर्मी, पारा शिक्षक हो या सिपाही हो या होमगार्ड के लोग हो, आप लोगों ने जिस आशा उम्मीद के साथ 2019 में भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ कर फेंका है, उस उम्मीद को 20 वर्ष तक आपने जो दर्द झेला है, उस दर्द को आप एहसास करें और अपनी उम्मीद को ना टूटने दें। ये आपका सरकार है, आप इस गद्दी में बैठे हैं और आपके अधिकार की ही निर्णय होगी। वक्त आते आते बहुत सारे दर्दों का निवारण हम करने जा रहे हैं। आज हमारे मंत्री, हमारे कार्यकर्ता, पूरा सरकारी महकमा इस वैश्विक महामारी में भी आप लोगों के बीच में आपके लिए काम कर रहा है। हाजी हुसैन अंसारी यू ही नाम, यू ही नहीं, स्वर्गवास हुआ उनका, वो भी चाहते तो किसी 5 सितारा होटल में जाकर के गोवा में सो करके अपना आराम से बुढ़ापा काट सकते थे, लेकिन इस कोरोना ने उसको निगला है। आप लोगों के बीच में रहने का उनको ये सजा मिला कि आज वो इस धरती में नहीं। आज हमारा एक मंत्री चेन्नई में जगन्नाथ महतो मौत और जिंदगी से जूझ रहा है। हमने लाख बार मना किया कि अभी कोरोना का महामारी है, आप बहुत ज्यादा लोगों के बीच में ना जाए, लेकिन हमारे सिपाही मानने वाले कहा, जहां दर्द वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा, वहां झारखंड की सरकार के लोग आपको नजर आएंगे। आज उसी का नतीजा है कि हमारे अनेक लोग इस संक्रमण में चल बसे, लेकिन हम लोग हार मानने वाले लोग नहीं। आज इसीलिए आप लोगों की इस प्यार, आप लोगों का आशीर्वाद का ही ये ताकत है कि हम इतनी मजबूती के साथ लड़ाई लड़ते हैं। एन केन प्रकार पैसे के बदौलत ये चुनाव लड़ते हैं, इनको लगता है पैसा से हर कुछ खरीद सकते हैं, पैसा से भगवान भी खरीद सकते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है इसको लोकतंत्र का ये लाठी का अंदाजा नहीं है, जिसका आवाज नहीं होता है सिर्फ परिणाम दिखता है। इसलिए 17 तारीख को इस लोकतंत्र का इस पर्व को ऐसा बनाइए और ऐसा बटन दबाइए कि इसका गूंज पूरे झारखंड में सुनाई दे और यहां से हफीजुल अंसारी पुनः मजबूत मंत्री बनकर के उभर के आपके सामने खड़ा हो और आपके लिए काम करे। नहीं तो ये लोग जिस तरीके से पीठ पर छुरा भोंकते हैं ना, आपको पता भी नहीं चले कब आप भूल जाए। यही निवेदन, यही आग्रह आपके पास लेकर आए हैं। अभी बहुत जल्दी 2-4 दिन के बाद ही रमजान का त्योहार आने वाला है, बहुत जल्द ही हम लोगों का रामनवमी भी होगा और साथ साथ में सरहुल का भी त्योहार। क्या संयोग है
और उस संयोग जहां सहयोग भी एक साथ आ रहा है, जहां रामनवमी भी साथ घुस रहा है, जहां रमजान भी साथ घुस रहा है, निश्चित रूप से ये खूबसूरत त्यौहार को हम इस तरीके से बनाएं मानो एक खूबसूरत गुलदस्ता हमारे सामने आ रहा है। ये लोग आज के दिन में कभी आप देखते होंगे जात धर्म के नाम पर हिंदू मुस्लिम कराकर हिंदू को हिंदू, मुस्लिम को मुस्लिम, आदिवासियों को आदिवासियों से लड़ाकर अपनी राजनीतिक रोटी सिलने का काम करेंगे। लेकिन झारखंड में ये नहीं होने देना। बिल्कुल इस बात को गांठ बांध करके रखिए, हम इस राज में इस राज्यवासियों को ऐसी छांव देना चाहते हैं जिस छांव के नीचे आप अमन चैन के साथ आराम से सो सके। लेकिन ये लोग शांति प्रिय नहीं, ये लोग को शांति से अमन से चैन से रहने देना नहीं चाहते। इनको पता है फूट डालो और राजनीति करो, यही उनका मूल मत है। आज इसी वजह से चुनाव के समय जो वादे करते हैं सरकार में आने के बाद भूल जाते हैं। आपको याद होगा केंद्र में सरकार बदलने समय क्या क्या बातें हुई थी, सबके खाते में 15 लाख रुपए आया क्या, बैंक में खाता खुलवाया लेकिन बैंक सब डूब गया। लो तो अनेकों ऐसी घटनाएं हैं। उन्होंने नोडे आबोरे नो और भया पे हे कार आपे से उनको निहार चुनाव को अब तला रहे बड़ा कना नो आउ चुनाव कना हा हाजी साहब अब तला रहे बोंगा तला ना बगिया बनाए उना मेहनत नोडे नो आउ चुनाव हुई करा आ नो आउ चुनाव रे हाजी साहब रे कोड़ा हबीबुल अंसारी प्रत्याशी ने बिना औकात दिया मंत्री होकर आया। मंत्री पहले के बिना होना लेकिन नित विधायक हो बिना जरूरी किया और होना कमी तो आप ही आज मारे बड़ी कटिंग से रोकना कि चिका तो विधायक के बिना हो होना ते मीट क्या हो वोट आलो हम ते मतलब तबन मा जाए जुगा सार कटे कटे के दिसों बंद दाढ़े करा आज नित दिसों में चोट मची रहा बबन दुड़ू बकाना उन्हें आराम होते बन कैटेज मा उन्हें ते 17 तारीख दिशा दोया आलोबन जाते थीर मा थीर बनता है मा। इसीलिए साथियों बहुत ऐसी बातें हैं, अगर इन बेईमानों का बात करना शुरू करें तो एक दिन भी कम पड़ेगा। इसलिए 17 तारीख का दिन याद रखिए। आप सब लोग कोई भी असकत होने की आवश्यकता नहीं है। इस लोकतंत्र का पर्व में हर हाल में हिस्सा लेना है क्योंकि इसी चुनाव के माध्यम से आपको आपका अधिकार मिलता है, बूढ़ा बुजुर्गों को पेंशन मिलता है, हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप मिलता है, हमारे नौजवानों के लिए रोजगार ढूंढा जाता है। इन्हीं मतों के माध्यम से इसलिए चुनाव में हिस्सा जरूर लें। एक हमको चुटका मिला है कि घसकों को प्रखंड बनाने का दर्जा की बात, देखिए यहां प्रखंड जिला अनुमंडल पंचायत सभी चीजें प्रशासनिक दृष्टिकोण के आधार पर बनते भी रहते हैं विलय भी होते रहते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं।
हमारा उद्देश्य है कि हमारा जो भी काम है वो काम आसानी से हो, बढ़िया तरीके से हो, बहुत दूर दराज जगहों पर जाकर भटकना ना पड़े हमारे किसान भाइयों। और निश्चित रूप से आपका ये प्रस्ताव हम अवश्य देखेंगे। अगर इस आशा को पूरा करता है तो निश्चित रूप से घासों को परखम बनाने का कवायद किया जाएगा, काम किया जाएगा। इसीलिए बहुत ज्यादा नहीं कहते हुए 17 तारीख का दिन 2 नंबर ईवीएम मशीन में तीर धनुष छाप, इस राज का आन बान सान आप लोगों का बहुबल वोट आपके इस विधानसभा क्षेत्र के लिए, आपके खेत बाड़ी के लिए, हमारे बच्चों के लिए एक वरदान साबित होगा। हमको इस उपचुनाव के माध्यम से थोड़ा वक्त मिला आपके बीच में आने का और आपके साथ रहने का। मैं अभी मधुपुर पे हूं और अभी सड़क मार्ग से कई रास्तों को देखूंगा और ये मेरा अनुभव और ये सीखने के लिए मेरे लिए जरूरी होता है कि जो सरकार की आंखें हैं वो ग्रामीण क्षेत्र तक जाती है कि नहीं जाती है, इसको हम अनुभव करते हैं। इसलिए आज आपके क्षेत्र भ्रमण में भी अभी हम जाएंगे, इन्हीं बातों के साथ आपके बीच में पुनः मंत्री हफीजुल अंसारी के लिए, हफीजुल हसन के लिए मतदान वोट की अपील करते हैं ताकि जिस शख्स को हमने खोया है हाजी हुसैन अंसारी साहब का एक सच्चा श्रद्धांजलि हम दे सकें, उनको हम सम्मान दे सकें। इन्हीं बातों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, सबको जोहार। और